राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सरकारी तंत्र कितना लापरवाह है, इसकी बानगी पटपड़गंज इलाके में देखने को मिली। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पास झाड़ी में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में धुआं फैल गया, लेकिन सिविक एजेंसियों को इसकी खबर तक नहीं लगी। आसपास से गुजर रहे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन सिविक एजेंसी चैन की नींद सोई रही। दरअसल पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पास सिंचाई विभाग का एक बड़ा नाला गुजरता है। नाले किनारे फेंके गए कूड़े, मलबे और झाड़ियों को अक्सर आग लगती रहती है। यहीं पड़े कूड़े और झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग से निकलने वाले धुएं की वजह से इलाका धुआं धुआं हो गया। धुएं की वजह से सड़क से गुजर रहे वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई। राहगीरों ने बताया कि नाले से काफी देर से धुआं निकल रहा है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद अब तक कोई भी आग बुझाने के लिए नहीं आया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। सिविक एजेंसियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, उसके बावजूद ये लापरवाही सामने आई है। नवोदय टाइम्स के लिए करुण ठाकुर के साथ सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।